रेडिएशंस में सबसे पहले जो टर्म है वो है रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस। इसमें ये बताया गया है कि अगर मान लो कैपिटल क्यू इज द अमाउंट ऑफ ही रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द बॉडी, एक बॉडी पे अगर हम कैपिटल क्यू अमाउंट ऑफ हीट को घेरें, रेडिएट करें, तो उसमें से वो बॉडी कुछ हीट सरफेस से रिफ्लेक्ट कर देगी, लेगी भी नहीं, उसकी मान लो चमकती हुई सरफेस है, रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। कुछ हीट वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब कर लेगी। कुछ हीट को वो ट्रांसमिट करेगी, रेडिएशन की फॉर्म में बाहर फेंकेगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन स्टेट्स दैट कि अमाउंट ऑफ हीट क्यू का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ एब्जॉर्ब हो गया और कुछ ट्रांसमिट हो गया। ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। रिफ्लेक्ट में क्या होता है, रिफ्लेक्ट में तो जैसी आई वैसी की वैसी गई, कोई चेंज नहीं। ट्रांसमिटेड में क्या होता है, बॉडी गर्म हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में सेक मारेगी, ऐसा है। तो अगर मैं क्यू, कैपिटल क्यू टोटल एनर्जी से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बनेगा, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड। इस फ्रैक्शन को स्मॉल आर, स्मॉल ए और स्मॉल टी से लिखा जाता है, और टोटल तीनों फ्रैक्शन का सम इक्वल टू कितना, वन। ठीक है, पहले डेफिनेशन क्लियर है इसमें। तो इसके अंदर आर को बोलते हैं रिफ्लेक्टेंस, ए को बोलते हैं एब्जॉर्बेंस और टी को बोलते हैं ट्रांसमिटेंस, तीनों का सम इक्वल टू वन। इसके अंदर सबसे पहली डेफिनेशन है व्हाट इज रिफ्लेक्टेंस। रिफ्लेक्टेंस कर लिया हमने, इट इज रेशियो ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय एनर्जी एब्जॉर्ब, स्मॉल आर। नेक्स्ट है एब्जॉर्बेंस, कर लिया हमने, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय टोटल एनर्जी इंसिडेंट, स्मॉल ए। नेक्स्ट है ट्रांसमिटेंस, एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय टोटल एनर्जी क्यू इज ट्रांसमिटेंस। ठीक है, तीनों डेफिनेशंस क्लियर हैं। तो इसमें रिफ्लेक्टेंस, कोई बॉडी कितनी रिफ्लेक्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है या ट्रांसमिट करती है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बॉडी। कोई चमकती हुई बॉडी है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, कोई रफ बॉडी है, ब्लैक बॉडी है, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी। नेचर ऑफ द बॉडी एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, कोई वेवलेंथ की रेडिएशंस ऐसी हैं जो घेरी जाती हैं जिसमें कि बॉडी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, और कोई वेवलेंथ ऐसी है जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। तो काफ़ी फैक्टर्स पे ये चीज़ें डिपेंड करती है। इसीलिए आर प्लस ए प्लस टी फ्रैक्शन का सम वन फॉर अ गिवन वेवलेंथ, लैम्डा इसके पैर में डाल दिया, क्योंकि डिफरेंट लैम्डा होगा तो ये फैक्टर मे चेंज फॉर डिफरेंट लैम्डा। तो लैम्डा एक होगा, फिर लैम्डा डिफरेंट रेडिएशन हो सकती हैं, तो ये फैक्टर आपस में चेंज होते रहेंगे, लेकिन सम हमेशा क्या रहेगा, वन ही रहेगा। फिर स्पेशल केस है कि अगर कोई बॉडी ट्रांसमिट ही नहीं करती तो टी उसका क्या होगा, जीरो, सिर्फ रिफ्लेक्ट करती है और एब्जॉर्ब करती है, तो आर प्लस ए इज इक्वल टू वन। तो अगर मैं आर को बढ़ा दूंगा तो ए मेरा कम हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो सम वन है। तो जो ज़्यादा अच्छे रिफ्लेक्टर हैं वो एब्जॉर्बर अच्छे नहीं हैं, जो ज़्यादा एब्जॉर्ब ज़्यादा करेंगे वो रिफ्लेक्ट कम करेंगे, तो दोनों में से एक चीज़ ज़्यादा होगी एक चीज़ कम होगी। तो लिखा हुआ है आर ज़्यादा है तो ए लेस, गुड रिफ्लेक्टर्स आर बैड एब्जॉर्बर्स। नेक्स्ट स्पेशल केस है, अगर कोई बॉडी रिफ्लेक्ट भी नहीं करती, ट्रांसमिट भी नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब ही करती रहती है, बस एब्जॉर्ब ही करती रहती है। तो इस बॉडी को जो सिर्फ होल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है उसे बोलते हैं ब्लैक बॉडी या परफेक्टली ब्लैक बॉडी। कुछ भी, ब्लैक बॉडी भी बोल सकते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसी बॉडी रियलिटी में तो एग्जिस्ट नहीं करती, हाँ, लेकिन ये थ्योरेटिकली बता रहा है कि स्पेशल केस है, तो स्पेशल केस में एक आइडल बॉडी को ब्लैक बॉडी बोलते हैं। सारी बॉडीज आइडल नहीं होती, तो ये बस हाइपोथेटिकल केस है, एक ब्लैक बॉडी केस मान लेते हैं। ठीक है यहाँ तक?